एसएससी में कैरियर विल ने इतिहास रच दिया है, चाहे वो रैंक वन की बात हो चाहे रैंक 36 आर की बात हो। और इस टाइम एसएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली जो संस्था है वो कैरविल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बात को हम गर्व के साथ कहते हैं। चाहे वो मैथमेटिक्स में गगन प्रताप की बात हो, चाहे वो रीजनिंग के पीयूष सर की बात हो, चाहे वो इंग्लिश में हमारे फेवरेट गोपाल सर की बात हो, और इस बार इंग्लिश में तो गोपाल सर ने झंडे गाड़ दिए हैं पैटर्न चेंज होने के बाद। ये इंटरव्यू आप इंजॉय करिए। नमस्ते भाई, आज हमारे साथ वो हैं जिनकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, जिससे गाइडेंस लेने के लिए आपने इस वीडियो को प्ले किया है। राजस्थान की शान, सन 2022 के सीजीएल के ऑल इंडिया टॉपर रैंक वन मोहित चौधरी, जो इस वीडियो में मेरे साथ बैठे हुए हैं। मुस्कुराओ भाई, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए तुम्हें। और वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई करी, टू द पॉइंट बात करेंगे वो कि सीजल 2022 में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, 36 हज़ार वैकेंसी थी, उसमें नंबर वन आना इतने सारे कंपटीशन के बीच में, जिसमें रिपीटर्स भी एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ ना कुछ खास बात तो होगी, तो आपको गाइड करेंगे ये। मैं एक बात पहले मोहित से पूछना चाहता हूँ कि जैसे 2022 के टॉपर की बात करें या हम और पिछले सालों के टॉपर्स की बात करें, तो जिनकी रैंक वन आई है जनरली उन्हें MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लिया है, लेकिन आपने ITI लिया है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसा क्यों? सर ऐसा सर मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने MEA लिया है, जितने भी रैंक कर रहे हैं टॉप 10 रैंकर, टॉप 100 में ज्यादातर MEA, टॉप 10 के लगभग 2021 से पहले था कि लोग MEA प्रेफर कर रहे थे, पर मैंने बाद में ट्रेंड देखा कि जो भी 2020 के कुछ टॉपर थे उन्होंने अगले साल MEA फिर से एग्जाम दे के MEA की जगह ITI ले लिया। ऐसा क्यों? ऐसा देखो, जैसे होम पोस्टिंग के हिसाब से कि अगर आपको लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग, MEA के अंदर आपको पहले दिल्ली में पोस्टिंग होगी, वहाँ पे एक तो रहना कॉस्टली रहता है और लोग जानते भी नहीं है मेरे हिसाब से ज़्यादा कि दिल्ली पब्लिक डीलिंग नहीं है, पब्लिक डीलिंग भी नहीं कहूँगा, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं रहेगा, आप चाहे MEA में हो कुछ भी हो, काम आपको एक ड्राफ्टिंग वाला ही करना है उधर, ऐसा मेरा मानना है। हाँ। तो मेरा था कि होम पोस्टिंग का मेरा फिर मेन बना कि होम पोस्टिंग लेंगे और आगे तैयारी करने के लिए कि घर वालों के साथ रहूँगा तो खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और इनकम टैक्स एक ब्रांड है, किसी को भी मैंने बोल दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ तो आगे से नहीं पूछेगा कि क्लर्क है कि इंस्पेक्टर है कि टैक्स असिस्टेंट है, वो नहीं पूछेगा, उसका नाम ही काफी है। तो वो मेरा मेन था, तभी मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज करा। जनरली गांव में या छोटे शहरों में क्या है कि ये जो भारी भारी से शब्द है ना, CBI इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना, एक्साइज, इनका भौकाल ज्यादा, इनका भौकाल है ना। भाई को पबजी का शौक है और अभी भी है। सर शौक क्या, सर बहुत हमारे तो क्लैन थी, एको क्लैन से हमारे पूरे चार बंदे थे, संकेत, अखंड, तरुण, ये पूरा हमारे क्लैन थी, खूब उस टाइम पीक पे था पबजी, तो हम लोग लगभग दिन के 7-8 घंटे तो पबजी खेलते थे मोबाइल। अभी भी खेलते हो? अभी तो नहीं सर, अब तो शौक ही नहीं है अभी इतना, और वो दोस्त भी नहीं रहे, सब अपनी अलग अलग जगह चले गए, तो अब तो नहीं है, उस टाइम खूब एकदम पीक पे था, तो उसके कारण फिर दो बैक आई फिर घर पे गए, घर पे तो फिर मालूम चलना ही था कि बैक आ गई, पहले पापा बोले बैक आई है, तो मतलब पापा देख लेंगे, इंजीनियरिंग में बैक नहीं आई तो इंजीनियरिंग क्या, मेरी भी फर्स्ट ईयर में एक बैक आई थी। तो वही था ना, पहले तो वो था ना, कॉलेज में कहीं भी जाओगे सीनियर भी, अरे इंजीनियरिंग में बैक नहीं आई तो फिर इंजीनियरिंग क्या करी तुमने, इंजीनियरिंग में बैक आनी चाहिए, तो थोड़ा वो था। पापा बोले देख तेरे कितने दोस्तों के बैक आई आसपास, तो जो मेरे साथ खेलते थे वो सबके साथ पास थे। अच्छा, वो तो पास थे, मैं भले ही कम CGPA में पास तो थे, मैं अकेला मैं ही फेल था, ये तो थोड़ा बहुत तो मेरे को लगा, दिल पे मेरे लगा, हल्का फुल्का लगा, पर इतनी जल्दी नहीं छूटता कोई भी मोबाइल। फिर वापस कॉलेज गए तो देखा कि हाँ थोड़ा बहुत तो करियर के बारे में सोचना है, तो कोई जैसे मेरा दोस्त एक गेट कर रहा था, कोई एक बार के एग्जाम होते हैं साइंटिस्ट, इनको टारगेट कर रहा था, कोई ESE हो रहा है टेक्निकल एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड का, तो मेरे को लगा मैं भी करूँगा। पहले तो ये था कि पहले कॉलेज की बैक निकालनी है, उस सेमेस्टर पढ़ाई करी, जम के पढ़ाई करी एकदम खतरनाक, कि उस सेमेस्टर में टॉप स्कोरर बन गया मेरे मैकेनिकल के अंदर डायरेक्ट, तो क्लास वाले एकदम वो रहेगा कि हाँ यार ये तो खतरनाक एकदम वो हो गया। फिर उसके बाद फिर सोचा चलो कुछ मतलब प्रिपरेशन, गवर्नमेंट का राजस्थान के अंदर पहले से ही थोड़ा रहता है कि गवर्नमेंट जाएंगे, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, गाँव साइड से, जैसे हम गाँव से जुड़ा हुआ हो ना, गाँव से ही मंगरा से, तो वो जैसे सीजल 2022 का जैसे नोटिफिकेशन आया और उसमें सारा पैटर्न चेंज हुआ तो दुख हुआ थोड़ा, या तुमको जैसे 2021 के हिसाब से तैयारी कर रखी थी और माइंड भी उसी हिसाब से सेट था 2022 के लिए, तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ ये आपके हिसाब से सही हुआ, ये बेनिफिशियल है, या पहले वाला ही ठीक था? सर जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले वाले पैटर्न में तो ये था मेरे हिसाब से, जो पहले बच्चे सेलेक्टेड थे
वो अपना है ना हाथ बिठा के रख रखे थे उन्होंने कि उन्होंने एक बार मैथ्स इंग्लिश प्रिपेयर कर ली तो बस हफ्ते में एक दो मॉक दे दो और एग्जाम में बैठ जाओ, 200 में 200 स्कोर कर लो, सीट खराब कर दो। हाँ, पर ये अभी पैटर्न बहुत लंबे ये पैटर्न में थोड़ा ये है कि आपको चारों सब्जेक्ट को वेटेज देनी पड़ेगी और अगर आप चारों को देते हैं, कंप्यूटर को नहीं देंगे तो भी आप सिलेक्शन के बाहर होंगे, टाइपिंग को नहीं देंगे तो भी बाहर होंगे। तो बहुत मतलब अब ये स्मार्ट वर्क भी की नीड है कि कौन से सब्जेक्ट को आप कितनी अहमियत दे रहे हैं, ये तो उस हिसाब से रहा। ओके, तो इसमें कैसे तैयारी शुरू करी आपने सीजीएल 2022 की, कब से तैयारी करना शुरू किया प्रॉपर सीजीएल 2022 को टारगेट करके? बताऊं देखो सर, जैसे कि अप्रैल के अराउंड तक, अप्रैल जब मैं चालू कर रहा हूँ तो आप इतना समझ लीजिए कि मेरा आपसे है ना परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई खत्म था, ये तीन मेरे टॉपिक खत्म थे, ये तीन मैंने सीडीएस रिलेटेड प्रिपेयर करे थे, तो ये तीन के मेरे नोट्स मैंने लिखित में बना रखे थे, क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्यूशन लिख के। ये जो आपने नोट्स हैं इसमें जैसे आपको दिखेंगे ना, ये जूडो टू हीरो के किस बैच के नोट्स हैं ये? सर वीओडी बैच, मैं वीओडी से बैच से लिया। ये VOD बैच के VOD बैच के सर, मतलब आपने लाइव बैच नहीं पढ़ा है? नहीं नहीं सर, लाइव रिकॉर्डेड सारे लेक्चर आपको हाँ, एक साथ मिलेंगे करें। और आपने ये एक एक क्वेश्चन के नोट्स खुद से हाँ, बनाए सर स्टार्टिंग में। मतलब अगर इनके नोट्स देखोगे तो ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा है, फिर ब्लू पेन से सॉल्यूशन लिखा है, रेड से इंपॉर्टेंट चीज, रेड से इंपॉर्टेंट चीज लिखी और फिर आंसर भी रेड पेन से लिखा है। तो आपको नहीं लगता कि जो आसान क्वेश्चन है, आपने आसान क्वेश्चन का भी नोट्स बना रखा है, इसमें टाइम वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं लगा? हाँ नहीं नहीं सर, जैसे ये जब मैं लिखे हैं ना तो मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं, जिसमें नए कॉन्सेप्ट, अब लाइक ये फायदा रहता है कि अगर नोट्स बार बार देखूंगा ना तो चार पांच क्वेश्चन एक टाइप के दिखेंगे तो दिमाग में याद हो जाएंगे कि पेन उसी तरह काम करेगा। अब मैं समझ लो पांच में से एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, गलती से अगले में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगा सोचने पढ़ने में, तो उस हिसाब से पहली बारी में तो पूरे पूरे लिख रहा था और उस टाइम शीट का प्रिंट भी नहीं मालूम था कि क्या शीट का प्रिंट कराऊं। फिर बाद में दोस्त ने बताया तुम्हें पागल है क्या, जब शीट मिल रही है मतलब 50 पैसे का एक पन्ना निकलता है तो प्रिंट करा ले, तेरा टाइम कम वेस्ट होगा, फिर वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, फिर थोड़ा वेट करो, फिर खुद ट्राई करो, फिर आपका सॉल्यूशन देखो, फिर उसको नोट करो, फिर नेक्स्ट, तो उसमें वो 1.5 घंटे का 2 घंटे बन जाता था। हाँ, वो थोड़ा लॉन्ग हो रहा था स्टार्टिंग में, 1.5 घंटे की वीडियो तो 2 घंटे में हो जाती होगी। तो फिर उसके बाद आपने शीट्स प्रिंट कराई और कल सॉल्यूशन लिखा, ये तीन टॉपिक हो गए। इसके बाद अप्रैल की जैसे हुआ ना तैयारी में तो मैंने दोस्त को बताया कि मैं कर रहा हूँ ये, फिर उसको मालूम चला कि ऐसे ऐसे लिख रहा है, उससे डिस्कशन में कि हाँ यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कभी क्वेश्चन डिस्कशन ना तो शीट का प्रिंट ले ले, तो मैंने शीटों के प्रिंट लिए, अरिथमेटिक के लाइक ऐसे कि पूरे एकदम वो बना दिए, एकदम सेट्स बना दिए, क्योंकि एक शीट में नहीं करा सकता ना पूरे के पूरे पूरे। ये अरिथमेटिक की सारी शीट्स आपने एक साथ प्रिंट करा दी? एक साथ, जैसे कि चैप्टर वाइज शीट ऐसे पार्ट में डिवाइड करके परसेंटेज प्रॉफिट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक में कर दिया, मिक्सचर एलिगेशन एलसीएम एससीएफ को एक में कर दिया, तो और ये जो भी टॉपिक बच गया टाइम स्पीड हो गया नाम नहीं लिए उनको अलग कर दिया, ऐसे 2 या 3 में अरिथमेटिक का पूरा ये कर दिया। मैं ये बात कहना भी चाहता हूँ कि जो थोड़े ठीक ठाक गणित में बच्चे हैं वो लाइव बैच ना पढ़ के, क्योंकि लाइव बैच होता है थोड़ा सा लंबा और उसमें इधर उधर की बात भी होती है, मोटिवेट भी, गाइड भी करना होता है। जो वीओडी बैच है उसमें बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, किसी भी टॉपिक पे जंप कर सकता है फास्ट फॉरवर्ड वे में, उसको सारा सिलेबस एक साथ मिल जाता है, तो वीओडी ज़्यादा बेनिफिशियल है मोहित जैसे बच्चे के लिए। आप अपने जिसके पास टाइम है आराम से, अगर कोई कॉलेज में हो तो आराम से लाइव बैच करें, धीरे 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 करके उस लेवल पे पहुंच जाएगा, और दूर का सोच के करें, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में कोर्स निपटा दिया तो फिर गलती से आपकी अगर मैथ्स हार्ड आ गई फिर आपका अगला अटेम्प्ट ही आएगा फिर। अच्छा, तो फिर मैथ्स की तैयारी में आपको कितना समय लगा, जो पूरे मैथ्स की सिलेबस की तैयारी में? जिसका मैथ्स अच्छा उसकी रीजनिंग अच्छी, मैथ्स और रीजनिंग ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं, ऐसा एक भी सिंगल बच्चा नहीं है जिसका मैथ्स बहुत बढ़िया और रीजनिंग कमजोर हो, ये संभव ही नहीं है। तो मैथ्स अच्छा तो रीजनिंग तो है ही, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों को एक साथ पैरेलली प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगा? सर पहले पुराना पैटर्न था हाँ, तो मैथ्स की वेटेज तो थी, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और उसके भी दो टोटल 7 से 8 महीने तो कंटिन्यूसली ये कोर्स ही चल रहा था, मैक्सिमम फोकस ही मैथ्स पर था, 200 नंबर की मैथ्स है तो मैथ्स का इतना करते करते लगभग मेजरली पोर्शन कवर हो ही गया था। थोड़ा बहुत जो बाकी था उसको था कि अब नोटिफिकेशन चेंज हुआ है तो थोड़ा चेंज करता हूँ स्ट्रेटेजी में, ये इतना लगभग हो गया जितना करना था और साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी चल रही थी, ऐसा नहीं था कि कोर्स पे ही फोकस है कि पीछे का रिविजन छोड़ रहा हूँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा हूँ तो साइड बाय साइड परसेंटेज की शीट भी लगा ले रहा हूँ ताकि वो दिमाग में रहे, क्योंकि जब आज से अगर 2-3 महीने बाद देखूंगा तो पूरे कॉन्सेप्ट भूल जाऊंगा तो मतलब ही क्या निकलेगा। बच्चे यही करते हैं, रिवीजन की सबसे बड़ी गलती यही है कि पहले पूरा सिलेबस पढ़ेंगे
अब शांत होंगे, हाँ मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब मैं रिवीजन करता हूँ, तब तक वो सिलेबस डिलीट हो चुका होता है उनके दिमाग से। आप जैसे ही तीसरे चैप्टर पे हो, जैसे सीक्वेंस पे हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस पे हम आए, प्रॉफिट लॉस पे आओ तो आप परसेंटेज का रिवीजन कर रहे हो साथ के साथ, और उसके प्रीवियसर के सवाल भी कर रहे हो। रिवीजन एक पैरेलल लर्निंग का पार्ट है सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान दौरान। और जो ये बच्चे हैं कि सर 4 महीने में गणित का सिलेबस हो जाए या 3 महीने में हो जाए, ये पॉसिबल है ऐसे बच्चों के लिए? 3 से 4 महीने में तो पॉसिबल नहीं है मेरे, अगर कोई अब कोई NIT ऐसा पढ़ा हुआ हो कोई, वही अगर आपको 5-6 महीने एकदम, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे हमारे पास आते हैं, सर 5 महीने में निपटाओ, सर 3 महीने में निपटाओ, अर्थमेटिक भी एडवांस भी प्रॉफिट लॉस सब धड़ाधड़ होना चाहिए, तो उसके लिए आपको IQ और उसके लिए आपको दिमाग भी उसी स्तर का चाहिए कि आप 5 महीने में समझ भी लो, उसको दिमाग में भी रख लो, आप रिविजन भी कर लो, आप प्रीवियसर के सवाल भी कर लो, और आप भूलो भी ना, और एग्जाम में परफॉर्म भी कर लो। लेकिन ज्यादातर बच्चे उस लेवल की मानसिक क्षमता वाले हैं नहीं, ज्यादातर बच्चे वही आ रहे हैं कि जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हैं। अभी के टाइम पे NIT IIT वाले आते हैं पर बहुत कम आते हैं, आते हैं तो वो अपनी सीट ले जाते हैं, हमें तो एक सीट से मतलब है। तो अपने सिलेक्शन, अगर आप टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा मैथ्स में जल्दी जल्दी से, तो सर मैं तो नहीं करता हूँ कि किसी को भी जल्दी इससे रहना चाहिए, आराम से करे। तो आपके हिसाब से पूरे SSC CGL की तैयारी में अभी के पैटर्न के हिसाब से कितना टाइम लगेगा एक एवरेज बच्चे को? अगर सर एक एवरेज बच्चा है ना, तो मैं मानूंगा सिलेक्शन की बता रहा हूँ, रैंक की नहीं बता रहा हूँ कि रैंक वो सोचते कि रैंक आ जाएगी, सिलेक्शन बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर जिससे बच्चों को संतुष्टि रहे। मैं ये मानता हूँ अभी के पैटर्न के हिसाब से है ना, अराउंड 10-11 महीने मान के चलो, मैं सजेस्ट करूँ 10 से 11 महीने तो आराम से, और वो भी अच्छे से देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें भी 10 से 11 महीने अगर कोई एवरेज बच्चा मेहनत करे, चारों सब्जेक्ट पे रिवीजन भी करे और मॉक टेस्ट भी लगाए, तो उसका सिलेक्शन पॉसिबल है, पोस्ट भी अच्छी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं वो चक्कर में फंस जाए। अच्छा, डेली जैसे आप पढ़ाई करते थे, तो आपने भी 10-11 महीने का टाइम दिया है CGL को डेली ना? हाँ लगभग सर डेली, मतलब 7 में से 6 दिन तो पूरा जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे, संडे को पूरा टाइम रिवीजन में, जो भी 6 दिन का पढ़ा है मॉक एनालिसिस, जब तक मॉक दिए हैं ऐसे करा है। और जैसे मैं अभी बताऊंगा तो बहुतों को लगेगा कि एक ही दिन में कैसे कर लेगा, स्टार्टिंग से 100-100 सवाल, 100-100 सवाल स्टार्टिंग से नहीं होते, जहाँ जहाँ पे आपका कोर्स खत्म होगा वहाँ वहाँ पे आपका सेल्फ टाइम खुद ही बढ़ता जाएगा। वही ये होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में कि मैं भी 100 सवाल लगाने लग गया मैथ्स के, वो यहाँ से कोर्स खत्म हुआ तो यहाँ से मेरा सेल्फ टाइम अपने आप बढ़ गया। प्री तक आते आते तो लगभग मेरा काम हो ही गया था प्री के 15-20 दिन पहले ही, तो उसके बाद मेरे पास पूरा टाइम था कि मैं सेल्फ भी दूंगा। अब मेरे को ना किसी को, मेरे को रेफर नहीं करना है ना कोई भी वीडियोस को, बहुत ही कम, मेरे को सिर्फ अपने नोट्स का रिविजन करना है, जो भी मैंने अपने मैथ्स के नोट्स बनाए, जो भी मैंने इंग्लिश के बनाए, जो GK बनाए, सिर्फ उन्हीं को बार बार रिपीटेड फॉर्म में पढ़ना है और मॉक देने, ये था। अच्छा, डेली कितने आवर्स की सिटिंग हो जाती थी आपकी 10 से 11 महीने की तैयारी में ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज सर 8-9 घंटे तो नॉर्मली है, नॉर्मल आप मान के चलो, बाकी 10 घंटे आराम से आप खींच सकते हो। बहुत बोलेंगे SSC में 10 घंटे, जब IAS वाले खींच रहे हैं इतना, तो आप अच्छी पोस्ट को टारगेट करोगे तो आपको खींचना पड़ेगा। अब अगर मैं चाहता, मैं नहीं करता, मैं 5-6 घंटे करता तो मेरे को भी जॉब तो मिली जाती, मेरे 36,000 पोस्ट है, 2800 मिलती, अगले साल फिर देता। तो एक ही बारी में मेहनत कर लो, मैं तो यही बोलूंगा कि ज्यादातर जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने एक बात कही कि 10 से 11 महीने तक आप लगातार बिना डिस्ट्रेक्शन हुए और एक भी दिन बिना वेस्ट किए अगर 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन आपको फोकस रहना है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने मैथ्स पढ़ाया सारा, अर्थमेटिक भी, एडवांस भी, DIB, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी जैसे सब कुछ पढ़ा, तो जो मैंने बैच में पढ़ाया वो बैच की शीट सफिशिएंट है कि या आपको अपनी तरफ से भी कुछ रिसर्च करनी पड़ी कि यार ये चीज़ छूट गई या इस चीज़ को मैं और बेहतर कर सकता हूँ, या सारी जिम्मेदारी मेरे थ्रू ही खत्म होगी आपकी? आपने अगर शीट को लगा लिया, मैंने लगभग 7-8 बार शीट लगा ली होगी। 7-8 बार सीट लगाई कि आपने रिविजन किया 7-8 बार सीट्स का? सर शीट्स ही लगाई है कि वो शीट्स लगाओ, और जैसे शीट्स लगाऊंगा तो ऐसे भी नहीं कि देख देख के, एक पन्ना लिया उसमें 1 से लेकर 100 तक के लिख दिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करा, 100 में से 80 सवाल बन गए, 20 सवाल बच गए, उनको फिर देखा कौन कौन से रह गए, इस तरह से लगाओ। और ज़्यादा मैं कोई चैप्टर को लंबा नहीं खींचता हूँ कि लाइक अगर एलजेब्रा करना है तो 7 दिन में ख़त्म कर रहा हूँ, तो उससे लंबा खींचने में क्या है कि बाकी पे रिविजन पर असर पड़ेगा। आप परसेंटेज है, आप परसेंटेज मेरे हिसाब से कोई ढंग से लगाने बैठे कायदे से, अगर वो बाकी सब्जेक्ट को आधा एक घंटा कम पढ़ लेगा और परसेंटेज को एक दिन में पूरी शीट लगा सकता है अगर उसने पढ़ लिया है तो इजी लगा, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ कोई टॉपिक को, नॉर्मल
शीट की प्रैक्टिस करनी है, एक से या डेढ़ दिन के अंदर परसेंटेज की शीट पूरी खत्म ही कर दी, एक साइड में रख दी कि हाँ परसेंटेज खत्म, 15-15 दिन के गैप के अंदर बार बार रिपीटेशन पे आ जाता हूँ मैं। तो ये जो हमारे सामने नोट्स रखे हुए हैं कितने भाई, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें शीट प्रिंटेड भी और आपके हैंड रिटन नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी, और मुझे लग रहा है कि इसमें एसएससी का सारा गणित है इसमें। सर एक दो कॉपी कम है। अच्छा हाँ, और भी है? एक दो कॉपियां हैं हाँ। तो बाकी पूरा अगर आपने शीट लगा ली ना तो आप कुछ और देखने की नीड नहीं है। मैं ये बोलूँ आप अगर पीवाईक्यू देखते हैं, देखो मन की संतुष्टि के लिए सब देखते हैं, मैंने भी देखे थे, मैंने किताब ली प्रीवियस ईयर की जिसमें टीसीएस के क्वेश्चन थे, मैं लगाने बैठा तो 100 में से मुश्किल से कोई 2 या 3 सवाल होंगे जहां पे मैं अटक रहा हूँ। हाँ, वही वही तो ये था। तो मैं उन सवालों को 1 घंटे के अंदर 100 सवाल इजीली लगा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर अगर कोई विदाउट ऐसे कि खुद से लगाने लग जाए, कि जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करो प्रीवियस ईयर करो, वो खुद से लगाने जाएगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसको 100 सवाल लगाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार जो 0 to Hero बैच है ना आपकी, उसने आपकी जो है आपने उसकी सारी शीट ढंग से कर ली ना शुरू से लेकर आखिर तक, हालांकि उसमें क्वेश्चंस मैंने हर एक टाइप का डाला है तो उसमें आपको लगेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद ये गारंटी भी जरूर है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना भी करो ना तो भी आप एग्जाम में 99% प्लस क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आ सकते हो। ये बात सही है। अगर उसके बाद केवल मॉक टेस्ट आप लगाओ, प्रीवियस अगर आप छोड़ भी दोगे कि आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, जैसे भाई ने बताया कि प्रीवियस ईयर के 100 सवाल लगाओ तो 98 तो हो ही जाएंगे, 1-2 सवालों में आप अटकोगे और वो आपको वो सवाल आपको अटकने वाले मॉक टेस्ट में ही मिल जाएंगे। हाँ, और उनको नोट कर लो, उनको नोट कर लो अलग से। तो ये जो शीट्स मैं देता हूँ बच्चों को ये मोर देन सफिशियंट है। और दूसरी बात कि ये हर एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल सीजीएल का ही सवाल है, इसमें सीएचएसएल का भी था, सीपीयू का था, इवन इसमें सीडीएस का भी, सवाल भी है। तो आप मल्टीपल एग्जाम में आराम से एक बार पढ़ ली ना मैथ्स, फिर आप चाहे स्टेट का एग्जाम दो, चाहे सीसेट दे रहा है कोई भी जो आगे भविष्य में भी देगा, वापस से उसको कोई मैथ्स में तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आप ये मन से वहम निकाल दो कि 4-5 महीने में कोई जादू सा हो जाएगा। जादू आप कर सकते हो कि आपने सिलेबस बहुत जल्दी निपटा दिया, फिर आप प्रीवियस ईयर के सवाल आप 100 में से 98 के बजाय 8वीं नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो उस बात का फायदा क्या है? और सर इसके साथ जैसे मॉक भी देना इम्पॉर्टेंट है, वो मॉक को नेगलेक्ट ना करें, चाहे मैथ्स के सेक्शनल मॉक दें, क्योंकि दिमाग भी उस तरह काम करना चाहिए। अगर पहला क्वेश्चन एलजेब्रा का है तो दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का है, यानी कि माइंड चेंज, मिक्स प्रैक्टिस भी नीड है, मॉक से आएगी वो। बच्चे क्या है कि अपनी तैयारी के दौरान केवल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ही पढ़ते रह जाते हैं, कभी मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं करते वो, और जब एग्जाम हमेशा मिक्स आना है, एक सवाल एलजेब्रा का, एक ट्रिग्नोमेट्री का, एक परसेंटेज का और उसका। तो जितनी ज्यादा आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा होगा, और मिक्स प्रैक्टिस सबसे बढ़िया है मॉक टेस्ट से करो। मैथ्स और रीजनिंग, तो आपने रीजनिंग आपने यूट्यूब से पढ़ लिया होगा, रीजनिंग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे कि अक्षय सर के लेक्चर जो थे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज, ये सारे देख लिए, जो भी रहता है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, चाहे कोडिंग डिकोडिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, उनके अक्षय सर के लेक्चर देख लिए। और लाइक फिर कुछ अलग सोर्सेज होते हैं, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो उनमें क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन आएंगे, या मॉक की फॉर्म में जब आते हैं कुछ लाइक क्वेश्चन आते हैं। मेरे जब सीजीएल का साहब 6 मार्च की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 7148 ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया था, तो वो अराउंड मोर देन 80% से क्वेश्चन नहीं बना होगा, पर मेरे दिमाग के अंदर वो लॉजिक एकदम इजीली क्रैक हो गया कि 7 का square - 1 ऐसा कुछ था, मतलब एक टिपिकल था कि कोडिंग में इसमें दिमाग लगाना पड़ा। तो ये सब था। उसके लिए आप बहुत से जैसे कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना 50-50, लाइक यूट्यूब पे फ्री चैनल है एंड गेम वाला, उसके आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा कोई नीड नहीं। रीजनिंग अपने यूट्यूब से और मॉक टेस्ट से ही तैयार हो गई। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया? और इंग्लिश में जैसे आप बता रहे हो 2021 में तो आपका स्कोर कितना था? 120। और 2022 में आपका स्कोर 135 out of 135। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? सर पहले तो जब तक पैटर्न चेंज नहीं था, तो पहले वाला तो मेरा वही था कि मैक्सिमम क्वेश्चन लाइक ग्रामर के आते हैं और वोकैबुलरी के आते हैं, तो उसी पे स्टिक रहना है। ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 वाली, फिर वो होता ना टीचर पढ़ने और रूल्स के लिए उसको देखा था, नीतू मैम वाली वॉल्यूम 1 की किताब को। और फिर वोकैब के लिए तो ब्लैक बुक वाली किताब आती है उसको रेफर करा था पूरे, जिसमें पूरे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे करा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी रोल प्ले कर रहा है वो है कॉम्प्रिहेंशन। जब आपने देखा होगा कि बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन ही सॉल्व हो रहे हैं, लाइक 45 में से 7 to 8 इस बार बच्चे कॉम्प्रिहेंशन को बड़ी गाली दे रहे थे एग्जाम हॉल से निकल के, कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही ज्यादा दे रहे थे। अब सर कॉम्प्रिहेंशन का क्या है, बच्चों को लगता है इसमें कुछ ट्रिक्स होती है,
ट्रिक्स होती, ट्रिक्स सिखाते भी हैं सर। नॉर्मल से ट्रिक होती है कि सेंटेंस कभी बट से स्टार्ट नहीं होगा और ये कभी डेट से स्टार्ट नहीं होगा, पहले हमेशा एक इम्पोर्टेंट लाइन आएगी जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही होगी। तो वो चीजें अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे मैंने द हिंदू चालू कर दिया था जब पैटर्न चेंज हुआ था उसी के कुछ ऐसे कि लगभग अक्टूबर ही मान लो, अब द हिंदू पढ़ा मैंने। आपने द हिंदू पढ़ा है? हाँ द हिंदू पढ़ा है। कितने टाइम तक? द हिंदू दो मैंने लगभग लास्ट तक ही किया है। मतलब कितने महीने? कितने लगभग आप अक्टूबर नवंबर फेब 5 महीने तक करा है, मार्च के 1 हफ्ते पहले वो तैयारी वैसे ही क्लोज। अच्छा। एग्जाम से पहले तो द हिंदू पढ़ने का मेरा ये था कि अपने को इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट से पढ़ना है कि आज क्या चल रहा है। ऐसा भी नहीं है किसी एडिटोरियल ही पढ़ना है, एडिटोरियल सर हार्ड भी होते हैं हिंदू के और SSC भी तो नहीं पूछता है अभी के टाइम पे। SSC मैं नोटिस किया था कि जैसे क्वेश्चन वो है ना उसी में से कोई न्यूज आई है उसको उठा के उसने वहां डाल दिया पैसेज के अंदर। तो आप इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ते थे उसमें? हाँ हाँ इंटरेस्टिंग, आप देखोगे तो आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आराम से एक घंटे नहीं आएगा, बहुत बोरिंग है। नहीं सर आ जाएगा, आप जैसे थोड़ा इंटरेस्ट लोगे स्पोर्ट्स, किसी को राजनीति में है किसी को कहाँ है, वो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट। जैसे कि आप पढ़ोगे, आप अगर पढ़ रहे हो तो आप न्यूज में पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता चल जाएगा ये रिपोर्ट है कि आर्टिकल है कि कोई रिसर्च का वो है। ऐसा आता ना कि उसमें वो पूछता है पैसेज में, मेरे में उसने पूछा था बहुत दो क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या है, ये कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, कोई आर्टिकल है, कोई मैगजीन का ये है। तो पढ़ते ही समझ में आ रहा था कि क्या है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ पढ़ रखी थी कुछ ऐसा ही आया था, उसमें उन्होंने कॉपी पेस्ट ही करा था SSC वालों ने। तो अंडरस्टैंडिंग का वो फायदा रहता है उसके अंदर। और बाकी आप किसी के भी ऐसे शॉर्ट लेक्चर, तो ये जैसे 5-6 महीने आपने द हिंदू पढ़ा, हाँ। इसका फायदा हुआ कॉम्प्रिहेंशन में? कॉम्प्रिहेंशन में सर हुआ। स्टार्टिंग में आपको लगेगा 15-20 दिन की नहीं हो रहा है, 1-1.5 महीने भी लग सकता है, पर धीरे धीरे जब आपको खुद ही दिखेगा मॉक के अंदर आपका एक गेस वर्क बन जाएगा। गेस वर्क जैसे आप 4 ऑप्शन देखोगे तो दिल से आवाज आती है कि हाँ यार ये लग रहा है। अब वो आपके ऊपर है आप कितना रिस्क खेलते हो। तो मैं तो दिल के साथ ही चल गया कि ये है इसका आंसर। तो डेली कितना टाइम देते थे फिर न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में अराउंड 1 आवर के अराउंड देता था। 1 घंटा पढ़ते थे? 1 घंटा शाम के टाइम में। मॉर्निंग में? नहीं मॉर्निंग में, इवनिंग में। इवनिंग में। अच्छा ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन। हाँ। का ग्रामर भी कर लिया। हाँ। आपने वोकैबुलरी कैसे तैयार की, मतलब रटने वाला पोर्शन जो बार बार भूल जाते हैं? वोकैबुलरी का सर स्ट्रेटेजी ये थी कि बुक लेनी है बस, ब्लैक बुक वाली, उसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। पहले एक बार करा, एक दिन में नहीं होती है, पहले दिन का उसका एक पन्ना। अच्छा। एक एक पन्ना करूंगा, एक पन्ने में अराउंड 40 होते होंगे। डेली डेली एक एक पन्ना, एक पन्ना वन वर्ड वाला, एक पन्ना इडियम्स वाला, और सेपरेट साइनो इंटो एक साथ नहीं करा, पहले सिर्फ साइनो कर रहा हूँ। माइंड फिर कंफ्यूज हो जाता है, साइनो के साइनो मैंने सिर्फ 25 करें, क्योंकि वर्ड याद करने में ज्यादा दिक्कत होती है, ईडियम आपको याद हो जाएगी आप अगर उसको अपने से ही जोड़ लेंगे लाइफ से। ईडियम्स याद करना बहुत आसान, ईडियम्स हो जाती है, कुछ कुछ नहीं होती है, उन पे मैं नोट कर लेता था। वो एक बार ही में नहीं करा, पहली बार करूंगा तो बुक पे एक पेन का निशान भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर अगली बार करता हूँ तो ऐसा लगता है यही इम्पोर्टेंट है। लगभग उसी बुक को मैंने 2 बार कर लिया, फिर 3री बार तक आया तो दिख जाता है कि हाँ ये वर्ड अभी भी याद नहीं हो रहा, मार्क कर लिए। तो लगभग हर 50 वर्ड के अंदर ऐसे 10 वर्ड होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, बाकी 40 का आपको आइडिया होगा और आप ऑप्शन देखोगे तो याद हो जाएंगे। आज मैं भी हूँ तो मेरे को भी कोई डायरेक्ट पूछ ले इसका मीनिंग बता तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑप्शन देख के हो जाते हैं, ऑप्शन देख के वो आ जाता है कि ये आंसर है। हाँ वोकैबुलरी में ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि आपको वोकैबुलरी बिल्कुल तोती की तरह पक्की रखनी है, इतना भी दिमाग में रखो कि ऑप्शन देख के कुछ कुछ आने लगे तो भी काम चल जाएगा, ऑप्शन देख के आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये वोकैबुलरी याद करने का प्रोसेस कितने महीने में हुआ? वोकैबुलरी का तो सर आप डेली अपने मेरे रूटीन में वोकैबुलरी लास्ट तक थी, धीरे पूरे से स्टार्टिंग से ही वोकैबुलरी लास्ट तक मेरी उसमें रही है शेड्यूल के अंदर। और लास्ट के जब 15-20 दिन बचते हैं ना तो मैं हर एक वोकैबुलरी नहीं पढ़ता हूँ, जो मेरे पेन से मार्क करी भी होती है ना से उसी को देख लेता हूँ बस उसी को, और जो नोट्स में लाइक मॉक से जो नोट करते हैं ना हम लोग की मॉक में 1-2 वर्ड नए आ गए उनको नोट करके सिर्फ उन्हीं को देखता हूँ लास्ट के 15-20 दिन, बाकी वो नहीं देखता, बाकी सब ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और कुछ और वोकैबुलरी याद करने की कुछ ट्रिक्स है ग्रामर में, कुछ ऐसा सजेशन जो हिंदी मीडियम वाले भाइयों को देना चाहोगे? आप हिंदी मीडियम से हो? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है तो फिर हिंदी वाले तो आपसे गुस्सा होंगे। हाँ इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी इंग्लिश अच्छी थी शुरू से? इंग्लिश सर नहीं सर, इंग्लिश अगर मेरे बोर्ड के नंबर भी कोई पूछेगा तो 100 में 60 होंगे CBSE में, और 60 नंबर तो कोई CBSE में तो बहुत खराब है। हाँ ये। अच्छा अच्छा, तो और कोई ऐसी ट्रिक्स है जो इंग्लिश में बच्चों को या कोई सजेशन जो अपनाना चाहिए इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, कि आज समस्या केवल गणित नहीं है, इंग्लिश ज्यादा बड़ी समस्या बच्चों के लिए, उसको कैसे सुधारें? अगर वोकैब की मैं बात करूंगा
तो कुछ लोग इसे रूट वर्ड से याद करते हैं। हाँ, तो कोई रूट वर्ड को फॉलो कर सकता है। जो बंदा याद नहीं करता, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई याद रख लेता है, जैसे मैं वर्ड को याद रखने को ज्यादा बिलीव रखता हूँ, किसी को रूट वर्ड से याद करता है कि एक रूट वर्ड याद करा उसी के ऊपर 20-25 वर्ड याद कर लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मैं तो रिप्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं, आपको पढ़नी पड़ेगी चाहे आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। केवल रूट वर्ड भी काम नहीं आएगा, रूट वर्ड सर काम पूरा नहीं आएगा उससे। वो ऐसे ऐसे वर्ड पूछ लेते हैं कि किसी में पहले किया कुछ पूछा था, तो उसमें मैं कहाँ से रूट वर्ड बनाऊंगा, मेरे को खुद ही नहीं आता था वो वर्ड, तो ये ऐसे मॉक के अंदर कहीं आया तो स्किप करना पड़ा। तो ये हर चीज रूट वर्ड से नहीं हो सकती कि आप रूट वर्ड के ऊपर हो गए। ये मैक्सिमम आपको सेल्फ वोकैबुलरी के लिए टाइम आपका बच जाए, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी के लिए सेल्फ ज्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये पहले आप जीएस स्कोर बताइए कि जीएस की तैयारी आपने कैसे करी, और जीएस में तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी है, और ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे तैयार करें? करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी है, और जीके का सिलेबस इतना है कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग प्लस बराबर जीके है, तो कैसे तैयार करें? और इसका कोई अंत भी नहीं है, और आपका तो स्कोर भी बहुत अच्छा है। कितना स्कोर है जीके में? 56 out of 75। ये तो इनके लिए तो आप भगवान की तरह हो, क्योंकि इनके तो 5 नंबर आ रहे हैं। तो आपने कैसे स्कोर किया? 56 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। अगर कोई बिगनर है हाँ, तो पहली चीज तो वो प्राइमरी फोकस बाकी सब्जेक्ट पर रखे, ये मैं क्लियर कर दूं। सिलेक्शन अगर वो तैयारी के पहले फेज में है तो बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, पूरी एनर्जी जीके पे ना लगाएं, पूरी जीके पढ़े पर इतनी ना लगाएं की ज्यादा, क्योंकि जीके अभी है तो किंग मेकर, आपको रैंक लेने के लिए जीके की नीड है, और बाकी सब्जेक्ट की आपको सिलेक्शन के लिए नीड है, सिलेक्शन से। यस, ये फर्क है, सिलेक्शन मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश दिलाएगा, लेकिन बढ़िया रैंक आपको जीके ही ले जाएगा। हाँ, तो सर जीके का क्या था कि जो मैंने प्रिपेयर करी थी, उत्कर्ष और उनकी टीम जो कुमार गौरव सर की है, वहाँ से मेरी पहले जो जब CDS EAPF की था ना, तो मेरे नोट्स वोट सब तैयार पहले से थे, जो भी बाकी थे, और बीच का जो गैप मैंने आपको बताया, अक्टूबर तक जीके का कोई रोल ही नहीं था, तो मैं हल्का हल्का देख लेता था कि ऊपर ऊपर से देख लिया, ये रहा। तो पर जैसे ही पैटर्न चेंज हो गया, तब मेरे को लगा कि अब मेरा बाकी जैसे कि मैथ्स का भी लगभग कोर्स पूरा हो रखा है, अब मेरे को प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और रीजनिंग का तो आपको पता ही ऐसा रहता है, तो फिर मैं बोला अब जीके पे मेरे को फोकस करना चाहिए। तो जीके फोकस करने के लिए एक तो जो मेरे नोट्स थे उनसे रिवीजन जो भी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद फिर लूसेंट, अगर आप सोर्स कोई भी है तो लूसेंट एक बहुत ही तगड़ा सोर्स है कि आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, पर वो ये उसको आपको रिपीटेड फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, बार 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 करने वाला, कि आपके दिमाग उससे सर बोरियत होती है, बोरियत के लिए तो अब ये है ना कि आपको साथ के साथ अगर आप PYQ लगाते हो उसके, तो आपको रिटेन ज्यादा रहेगा। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी कहती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ गए TCS के, वो बगल में रखिए, यहाँ लूसेंट है, नोट में रिवाइज कर चुका लूसेंट है, जैसे कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो पॉलिटी ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि पूरे दिन में खत्म करूंगा, पॉलिटी के अराउंड 4-5 पन्ने पढ़ूंगा मैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर ये जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज या उससे पहले का है उतना पढ़ूंगा, जितना रिमेम्बर कर सकता हूँ उतना याद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं पढ़ूंगा, दो सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ मैं जीके के अंदर, ये पढ़ एक टाइम पे दो, क्योंकि एक टाइम पे एक लेके चलूंगा तो पीछे वाला टेंशन होने लगेगी, और पीछे वाला फिर भूल जाऊंगा जब तक ये, कि अगर पॉलिटी के कुछ पढ़ रहा हूँ तो साइड बाय साइड लेके चलूंगा फिजिक्स को, किसी का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में हो, मेरा फिजिक्स है तो फिजिक्स को मेरे को पता है मैं जल्दी खत्म करता हूँ, ऐसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो फिजिक्स के एक्सेलरेशन वेलोसिटी की मेरे को ज्यादा चीजें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो यहाँ से इसको लेके चलूंगा। ये दोनों मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, अब इसी के साथ क्या करूंगा, थोड़े टाइम बाद PYQ उठाऊंगा, उसमें वो रहता है पैसे सेक्शन वाइज की कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है, यहाँ से ये उसको उठाऊंगा, टोटल अराउंड TCS के मेरे शायद 400-450 क्वेश्चन लाइक पूरी पॉलिटी के हैं, पॉलिटी तो पॉलिटी के मैं लगा लूंगा अराउंड 50 क्वेश्चन लगा लूंगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के लगा लूंगा, फिजिक्स के अराउंड 150-200 होंगे, तो क्वेश्चन लगाते लगाते 3-4 दिन के अंदर फिजिक्स खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन से थ्योरी में आपको 4 या 5 दिन लग सकते हैं, ये यहाँ से खत्म, यहाँ से आपने ये पढ़ लिया, तो आप जब PYQ लगाओगे ना तो आपको समझ में आया कि SSC सवाल कहाँ से पूछ रही है, कि SSC यूनिट एंड डायमेंशन से पूछ रही है, SSC लाइक चार्ल्स लॉ बॉयस पकड़ लेंगे, हाँ ये आप खुद ही पकड़ने लग जाओगे कि एक दिमाग में आ जाएगा, अगर जैसे आपने क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे पहले, जब आप वापस थ्योरी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप अच्छे से याद करोगे कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 है जो भी है, फिर आप अच्छे से याद करोगे, उस पोर्शन में फोकस दोगे। अब पॉलिटी के जो आर्टिकल होते हैं वो लिमिटेड ही रिपीट होते हैं, जितना मैंने देखा बच्चे पूरा मगअप करने की नीड नहीं है। सिंपल कि आपको पता होना चाहिए कि पहला पार्ट क्या है, आर्टिकल 1-4 जो भी वो बता रहा है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप के क्या है, फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो टिप पे होने चाहिए कि 14 से लेकर जो भी 32 तक, 36, 35 तक है पूरा, कि कौन से आर्टिकल से क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है, ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे करते चलिए, ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम ही है कि सोर्स एक ही रखें, ज्यादा मतलब लिमिटेड सोर्स। आप चाहे किसी की वीडियो रेफर कर रहे हो, दो तीन जगह वीडियो देखिए और अपना एक सोर्स कर लीजिए, उस पर ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सोर्सेज पे बच्चे क्या ट्रस्ट नहीं रखते हैं, यही तो परेशानी है। 3 महीने ये, फिर 3 महीने कहीं और, फिर 3 महीने कहीं और, रिजल्ट जीरो। हाँ, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि बच्चे अपने सोर्स पे ट्रस्ट नहीं रख पा रहे। ओके, तो ये स्टैटिक जीके तो पूरा जैसे रटने वाला पार्ट है, कोई लॉजिक नहीं, ये कैसे किया प्रिपेयर? जो फॉग डांसेस, लाइक फॉग डांसेस हो गए, कोई देवता के नाम, ये सब हो गए, इसका सर सिर्फ टीसीएस की जो है ना क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसी में से मैंने इंपॉर्टेंट निकाले कि क्वेश्चन कहाँ से हैं। क्वेश्चन आते हैं डांस एंड फॉर्म से ज्यादा, बुक्स एंड ऑथर से आते हैं। जीके में भी प्रीवियसर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या सर? होते हैं सर रिपीट, मेरे तो सर मॉक से फंस गए 3-4, तो 3-3 9 नंबर। तो यार मैं तो समझता था कि केवल मैथ्स में ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जीके में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने का फायदा बहुत है। अगर रिपीट नहीं भी हो रहे ना तो आपको आइडिया बैठ जाता है। लाइक एक एग्जांपल तौर पे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 106 होता है, 106 वो किसने दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें नाम उसने दे रखे, पहला नाम कुछ विलियम दे दिया, दूसरा नाम उसने कुछ एक और दे दिया, तीसरा नाम में भी उसने विलियम जोन्स ऐसे कुछ लगा दिया, और चौथा नाम उसने एक अलग से कुछ दिया था। तो मैं एलिमिनेट करने पे आया कि यार विलियम ने कुछ और डिस्कवर करा था, पर याद नहीं आ रहा, पर किया इसने कुछ और था। और फिर आप बाकी नाम देखोगे तो आपको एक और नाम दिख जाए कि इसने तो फैराडे का लॉ दिया था। अब बचे दो ऑप्शन, अब दो ऑप्शन में आपका है ना माइंड अपने आप एक गैस वक्त थोड़ा वो डेवलप हो जाता है कि आपको लगेगा कि यार ये नाम पहली बार सवाल आ रहा है और ये आज तक नाम कभी नहीं आया। तो उसके साथ मेरे को गो थ्रू करना, देखो रिस्क खेलना पड़ता है जीके में, कि विदाउट रिस्क आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि जीके आपको लगता है कि आपने 15 सवाल करे, मैंने तो फुल एक्यूरेसी के साथ करे, ऐसा होता है ना बच्चे की कम अटेम्प्ट करते हैं, उनको लगता है मैंने 15 सवाल करे और मैंने फुल एक्यूरेसी के साथ गया हूँ, घर आके देखते देखते गलती से भी 4 सवाल गलत हो गए, तो अब तो 4 चौक 16 नंबर जा रहे हैं। आपने किए भी 15 या 45 हैं, 45 में 16 चले गए तो 29 नंबर, वहीं पे आपके स्कोर कितना गैप आ जाएगा। तो ये तो जैसे आपकी चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन रही। ये एक आज बड़ी अखबार में बड़ी तगड़ी हेडलाइन छपी है, 3 साल पहले मोबाइल छोड़ा, रोज 12 घंटे सेल्फ स्टडी, तब मिली देश में पहली रैंक। इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या आपने 3 साल तक मोबाइल ही यूज नहीं किया? सर सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है, मोटी मोटी ये बात है कि जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और जो शॉर्ट्स वाला जो फीचर आया है कि बच्चे दिन भर मोटिवेशन की रील देखते हैं, पढ़ाई की कम, वो जो है होना क्या चाहिए कि स्टडी के बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो कह रहा है कि एंटरटेनमेंट के बीच में उनकी थोड़ी सी स्टडी हो रही है, तो इसको कैसे कम करें, और आप जो है मोबाइल से बच्चे कैसे पॉजिटिव वर्क ले पाए वो आप बताइए। फोन को त्याग करने की बात है, त्याग से मतलब वो नहीं होता है कि बिल्कुल फोन उठा के फेंक ही दिया, उसका मतलब होता है कि आप क्लास तो फोन पे ही देखनी, और क्लास तो फोन पे देखनी, आप अगर मॉक भी दे रहे हो तो लैपटॉप पे दोगे या फोन पे दोगे। तो ये नहीं है कि फोन बिल्कुल ही यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं। फोन यूज करने का मतलब कि आपने बीबी की वाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया, यही है ना? आपने बेवजह के टी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया कि उस पे बार बार गाने के नोटिफिकेशन आ रहे हैं या कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव चीज आ रही है जो बार बार आपको दिखाई दे रही है, यही ना? ये इम्पोर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया, जैसे मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे भी एक्टिव नहीं था, मतलब आईडी थी पर वो पड़ी है बस ऐसे, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं था। मैं सिर्फ टेलीग्राम मैंने कर रखा था कि उस पे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है, एसएससी रिलेटेड कोई मैसेज आए, कोई नोटिफिकेशन है, उससे मैं कनेक्टेड था जो भी ग्रुप है। बाकी त्याग से मतलब है कि आप इन सब चीजों से दूर रहिए, आप जो अपना ज्यादा समय है ना वो एजुकेशन को दीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ टाइम दीजिए, और इन सब चीजों पर कम से कम टाइम दीजिए,
ये है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि त्याग, फोन एकदम मैंने फेंक ही दिया, फोन पे मैं भी था। अच्छा, ऐसा टाइम निकालते थे 24 घंटे में कि अब आधे घंटे बैठ के अब इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, या अब सोशल मीडिया देख लेता हूँ, या ट्विटर पे देख ओपन करके देख लेता हूँ? सर इंस्टाग्राम पे तो मैं हुई नहीं वैसे भी। अच्छा, इंस्टा ट्विटर पे मैं हुई नहीं। हाँ, तो इसका तो कोई था ही नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, धीरे धीरे आपको शॉर्ट्स जब आप देखोगे, पहले एक शॉर्ट्स का करते करते वो कब आधा एक घंटा बनता है तो आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसा मैंने यूट्यूब पे एक्सपीरियंस खुद ही कर रखा है, क्योंकि यूट्यूब तो फोन में होता ही है। तो कभी एक शॉर्ट देखा, एक रील आई अच्छी लग रही, फिर अगली आ गई, फिर अगली आ गई, फिर मालूम चलता है एक घंटा निकल गया। फिर थोड़ा दुख सा होता है यार, कि शाम को होगा जब आप रात को सोने जाओगे कि आज मेरे थोड़े टारगेट नहीं हुआ, चाहता तो आज एक घंटा और यूटिलाइज मैं कर सकता था। तो ये आपके अगर दिमाग में आ गया ना कि आपको कम से कम फोन, जितना हो सके अपने सिलेक्शन या जो भी एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, जो भी आपको पढ़ना, जिस एग्जाम की आप एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अच्छा, जब 12-13 घंटे की डेली सेटिंग होती थी और 10-11 महीने तक प्रोसेस चला, तो बीच बीच में पढ़ाई में बोरियत जरूर होती है। पढ़ाई कोई बढ़िया बहुत अच्छी चीज तो है नहीं कि आदमी पढ़ता रहे, तो एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तो मनोरंजन के लिए क्या चीजें आप इस्तेमाल करते थे? सर बीच में जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको डाउन फील तो होगा, जो भी हाँ, जो डाउन फील होता था आपको मोटिवेट रखने के लिए, आपको डाउन फील हो रहा है तो आप राइट ट्रैक में जा रहे हो। मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी तैयारी चल रही है, आपको टेंशन है थोड़ी कि यार मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, फिर कैसे करूंगा, इतने लोग दे रहे हैं, तो ये तो मैं सही चीज मानता हूँ। अगर कोई तैयारी कर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, मेरे को भी आता है, महीने में 2-3 बार मेरे खुद को आता है कि यार इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं कोई अनोखा तो हूँ नहीं। रैंक वन भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, सुन लो, और सभी को अपने आप पे सेल्फ डाउट होता ही है थोड़ा। सेल्फ डाउट अगर आपको हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और आप लगे हुए, ये पॉजिटिव और अच्छी बात है। तो लगातार 10-11 महीने तक पढ़ाई करी कैसे? बीच में एंटरटेनमेंट का क्या साधन था? सर इंटरटेनमेंट तो बहुत ही कम, जैसे मूवीज वूवीज, फ्रेंड सर्कल तो है, जैसे कि अब मैं जोधपुर में हूँ, बाकी फ्रेंड्स कोई प्लेसमेंट ले चुका है, कोई अपने घर में है, तो ऐसा क्लोज कॉन्टेक्ट तो कोई नहीं है। अच्छा, जोधपुर में जो हम जैसे रहते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई क्लोज नहीं, कॉल पे बात होती थी, कॉल पे ऐसे हफ्ते में एक आध बार बात करी, और बात भी उन्हीं से कर रहा था जो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि वही जानते जो वो मेरा दर्द समझ सकते हैं। अब जो कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं, मैं उनको क्या ही बताऊंगा कि हम किस फेज से गुजर रहे हैं। उनको तो लगता है यार तुम नौकरी लग जाओगे, तुम तो लो पैसा छाप लोगे, ये कर लोगे, पर हमें पता है ना कि हम लोग बेरोजगार तो हैं ही अभी, हमें कैसा लगता है, क्योंकि घर वालों की भी सुनना पड़ता है, कभी कोई कुछ कह देता है कि कब से इंजीनियरिंग करा ली 4 साल, फिर 2 साल घर से ही बैठा है, तो ये होता है। तो इसमें मोटिवेट का तो कुछ यही है कि आप करते रहें, और बाकी अपने घर वालों से बात करें, क्योंकि आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं ना, तो उन्हीं से को आप मोटिवेट हो जाओगे। अपने जो भी आपको कोई किसी को डीमोटिवेशन आ रहा है या कोई क्या कहते हैं कोई डाउन हो रहा है, तो अपने घर वालों से करें डिस्कस। आपकी तैयारी में जो आपके घर वाले, जैसे आपके पिताजी जो हैं सूबेदार हैं, तो एक डिसिप्लिन तो पहले से ही था, और जैसे आपने मुझे बताया कि आप सीपीओ का भी पेपर देके आए और उसमें फिजिकल भी आपका बहुत अच्छा हुआ, तो पापा की ट्रेनिंग पहले से ही थी, तो डिसिप्लिन है घर में। तो आपकी तैयारी में घर वालों का जो है कितना सपोर्ट था? सर घर वालों का तो मेरी तैयारी में फुल सपोर्ट रहा, फुल एकदम फुल, कि घर के काम भी बिल्कुल ही कम ही कराते थे, कुछ भी हो जाया तो पापा करते थे, मैक्सिमम कोई भी घर का काम, सब्जी लाना या कुछ भी राशन का सामान, वो मैक्सिमम पापा ही कर लेते थे। हाँ, मेरे को कम से कम डिस्टर्ब करते थे, तो कहते तो अपनी पढ़ाई में फोकस रख, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, हम तेरे को थोड़ी कोई कह रहे हैं, तू तू तैयारी कर अच्छे से, ज्ञान ले, हम ये भी नहीं है तेरे पे प्रेशर की तेरे को जॉब लेके ही आनी है, ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है, जो भी पैसा लगा रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ, बाकी वो काम तो है कहने का, तू बस अपना एक ही जगह फोकस रख, आराम से धीरे धीरे तैयारी करते चल, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अच्छा, आपने पूरी तैयारी घर पे बैठ के करी कि लाइब्रेरी में भी आप गए हो पढ़ने के लिए? बहुत सारे टॉपर्स हैं जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। सर लाइब्रेरी में मैं 10% ही गया हूँ तैयारी का, लाइब्रेरी में कुछ टाइम के लिए, बाकी मैक्सिमम तैयारी घर से ही हुई है। घर से ही? हाँ, सेपरेट रूम में बैठ के। हाँ, सेपरेट रूम था मेरा, वहीं से सेल्फ स्टडी मैक्सिमम जो मैंने फोकस दिया है वो उनके अलावा कोर्सेस। घर को ही लाइब्रेरी बना दिया? हाँ, घर को ही एकदम लाइब्रेरी बना दिया है, तो सारी किताबें नोट्स वगैरह सब कुछ, माहौल अलग था कमरे का। हाँ, कमरे का माहौल तो ऐसा था कि आप डेस्क के सामने तो कृष्ण भगवान की फोटो है एकदम लगी हुई, साइड में टाइम टेबल है, एकदम थोड़ा क्लीन रहता है, कि पीछे किताबें पूरी पड़ी है, और किताबें जब पढ़ता हूँ तो एकदम बिखर जाती है, कि मैं अपने हिसाब से रखता हूँ ना कि कोई भी किताबें कुछ भी उठा लूंगा कभी, तो मतलब घर से ही पूरा। अब ये सब सीरियस बातें हटाओ, तो मेरे सब बकवास की बात। हाँ, तुम्हें बताओ शादी का प्लान कब है सर? मतलब हम शादी में कब आने वाले हैं राजस्थान घूमने? सर शादी का प्लान तो कि वो तो घर वाले करेंगे, बाकी पापा को तो कॉल आ ही रहे होंगे,
पापा को तो आते ही रहते हैं कॉल। जैसे अभी तो सीएम गहलोत साहब ने भी ट्वीट की आपके बारे में, और आपके सांसद विधायक जो हैं आपके आसपास के काफी सारे लोग तो सब बधाई देने भी आए होंगे, तो उसमें रिश्ते वाले भी लोग आए होंगे। रिश्ते वाले तो सीधा पापा को फोटो भेजते हैं और कहते हैं कि हमें तो पसंद है, बताओ आप बताओ क्या कब करनी है। वो तो पूरा आगे से तैयारी बैठे हैं कब यहाँ से हाँ कर दें और ये बस। तो तुमने चट मंगनी पड़ गया? नहीं सर, अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी तो सर जॉब लगी है, अब तो थोड़ा एक दो साल हम भी इंजॉय कर लें, अब तो सैलरी आई। अच्छा तो हैं फिर सिविल सर्विसेज थोड़ा प्लान? हाँ, ये मोहित ने मुझे पहले बताया कि मोहित का प्लान है सिविल सर्विसेज का। हाँ, सिविल्स का। हाँ, स्टेट और यूपीएससी दोनों को टारगेट करेंगे। और मोहित का एक, मोहित ने भी यूट्यूब चैनल भी ओपन किया था जिसमें वो उस सीजीएल के रिलेटेड कुछ वीडियो भी डाली थी। हाँ। और वो चैनल भी मोहित ने बंद कर दिया इस वजह से, वो कि मोहित को अब ये यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं करके केवल यूपीएससी की तैयारी करनी। हाँ, मेन सिविल्स में रहना। अब उसमें क्या है, कमेंट आते हैं तो दिन पूरे दिन देखो आज कितनी अर्निंग हुई है, $60 हो गए कि $70 हो गए। नहीं, ये डिस्ट्रैक्टिंग चीजें थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे जो तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं और दिन में 10-10 शॉर्ट्स डाल रहे हैं, और वो सामने मोबाइल ऑन करके वो पढ़ रहे हैं, वो वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, वो पॉसिबल कैसे है? अच्छा, वो दिन का पूरा अपना दिनचर्या। हाँ, दिनचर्या एसएससी के लिए ऐसे पढ़ती हूँ मैं, सुबह मुंह धो रही हूँ, 5 बजे लाइव चल रही है। हाँ, मेरे साथ पढ़े। हाँ, वही वही। ये होता कैसे है? ये तो सर सब यूट्यूब व्यूज के लिए होता होगा, उनके व्यूज और अर्निंग जो उनका होता होगा। मेरे साथ वो टाइम वेस्टिंग है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, मैं तो इन सबसे दूर ही हूँ। तो अभी शादी का कोई प्लान नहीं है? नहीं, अभी 2 साल तक तो नहीं है, बाकी सगाई हो भी सकती है अगले साल, तो समाज में ऐसा रहता है। अच्छा, आपके चश्मे का कितना नंबर है? सर, चश्मे का नंबर 2.5। ये मेरा भी 2.5। दिखाओ जरा एक बार चश्मा। यार लेकिन ये मेरे से पतला क्यों है ये? हाँ, मतलब मेरा जो गिलास है मेरा बहुत मोटा है, तुम्हारा 2.5 है, नज़दीक का ही है। नहीं सर, ये दूर का है। ये दूर का, मेरा नज़दीक वाला है। तो ये आपका अच्छा चश्मे का 2.5 नंबर है, तो सीपीयू की फिजिकल में दिक्कत नहीं है? नहीं सर, फिजिकल तो आप वो है ना कि फिजिकल में दौड़ना है, लॉन्ग जंप हाई जंप करनी है, ये मेडिकल में होती है। मेडिकल मेन मेडिकल में होती है। अगर सीजीएल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो मैं लेजी करा के, फिर प्लान था कि दिल्ली पुलिस SI में ज्वाइन करने का था। हाँ। वो था, फिर जब सीजीएल में हो रहा है तो क्यों ही किसी की सीट खराब करूँ कि मैं एक और रैंकर बनने के लिए किसी की सीट खराब नहीं करूंगा। और ऐसे बाकी भी सिलेक्टेड है उनको भी यही कहूंगा कि अगर आप सिलेक्टेड हैं तो किसी की सीट खराब ना करें। बिल्कुल सही बात, मोहित ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि मोहित का स्कोर इतना अच्छा है कि सीपीओ में भी रैंक 1 या टॉप 3 में, टॉप 10 में सिंगल डिजिट रैंक मोहित की ही आने वाली है। उनका फिजिकल भी जो है बहुत अच्छा हुआ है, उसमें भी नंबर 1 आए, क्योंकि पापा सुबहदार हैं, पापा सुबह ही भगा देते हैं 10 किलोमीटर दौड़ के, ऐसा ही है ना? हाँ, रोज सुबह शाम। तो मोहित के चर्चे जो है वो हर जगह हैं। राजस्थान में कोटा है, कभी मन में नहीं आया कि कोटा चले जाते हैं और IIT की तैयारी करते हैं 12th के बाद? क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही नज़दीक है और वहाँ राजस्थान में तो माहौल ही कोटा में IIT NEET की कोचिंग का है। पर मेरा वही मैकेनिकल में एक बार चले गए तो आपको मैकेनिकल के तो पता ही है कैसे कैसे लोग आते हैं उसमें, एक हर की एकदम क्लोज बॉन्डिंग ऐसे बन जाती है। मैकेनिकल जैसी दोस्ती और मैकेनिकल जैसी बकैती किसी कॉलेज में हो ही नहीं सकती। ये तो मैकेनिकल में बंदा 4 साल स्वर्ग की जिंदगी जीता है। सख्त लौंडा जो है ना, सख्त लौंडे की परिभाषा ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लड़का है। हमारे में 60 बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स। हाँ, वहाँ पे आप सब सीख लोगे इंजीनियरिंग। मैं तो नहीं सीखी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मोहित से बात करके, और आपने इस इंटरव्यू से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और आप भी मोहित के बराबर ही मेहनत करें जिससे अगली बार आप यहाँ बैठ के आने वाले अपने जो जूनियर बच्चे हैं उनको गाइड कर पाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। आप UPSC जरूर क्रैक करो, चाहे आप राजस्थान UPPCS में जाओ, और CM गहलोत साहब से मिलो, उनको बता देना सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा बोरिंग सा नहीं हो रहा है? ओके, करें? हेलो हेलो हेलो, रोलिंग हो गया क्या?